बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, शुक्रिया। ये धनी टेनिस क्लब 1944 में, ये अभी जो मौजूदा सिविल क्लब है चकवाल, ये शहर के अहम मरकज़ के अंदर, तो ये इसका संगे बुनियाद उस वक़्त भी एक अंग्रेज़ जो इधर कोई कमिश्नर थे उन्होंने रखा था, और बाद फिर 1945 में जब ये मुकम्मल हुआ तो फिर डिप्टी कमिश्नर जेलम जो है उन्होंने इस धनी टेनिस क्लब का अफ्ताह किया था। तो ये वो याम है जब क्याम पाकिस्तान की तारीख अपने पूरे दौरों पर थी और यहाँ पर टेनिस भी बड़े भरपूर अंदाज में खेला जा रहा था। तो उस वक़्त चकवाल के पहले मुसलमान वकील ख्वाजा महमूद एडवोकेट, एक जो अंग्रेज़ जज थे, उनके हमराह इधर टेनिस खेला करते थे, और उस वक़्त के बाहर तालीम ख्वाजा मोहम्मद शफ़ी, वो भी इधर टेनिस खेला करते थे। तो बहरहाल ये उस वक़्त ये ख्वाजा शफ़ी के साहबजादे और ख्वाजा महमूद के भतीजे ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, वो अपने वालिद के साथ इधर, जब उनके वालिद ख्वाजा शफ़ी टेनिस खेलने के लिए आते थे तो वो उनके हमराह आते थे, और वो उसमें वो पीछे जो एक गोली खड़े होते हैं जो गेंद पकड़ाते हैं, तो वो ख्वाजा इफ्तिखार अहमद उस वक़्त गोली पीछे करके, तो वो टेनिस में गेंद पीछे से उठाकर पकड़ाया करते थे मैच के दौरान। तो बहरहाल उस वक़्त भी ख्वाजा शफ़ी ने बड़ी सख्ती से उन्हें, हालांकि उनकी बड़ी दिलचस्पी थी ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की, मगर उनका ज़्यादा ज़ोर था कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दें। मगर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद के अंदर जो एक कुदरती एक टेनिस का जो एक भरपूर तरीके से मौजूद था, तो वो बहरहाल उन्होंने इधर टेनिस जो है 1944 में बाद में रैकेट पकड़ना सीखा, और फिर ये सारा जब 1991 पाकिस्तान का जब ये अमल आया तो ये लाहौर जिमखाना में ख्वाजा इफ्तिखार अहमद टेनिस वहाँ पर खेलते थे। तो फिर ये आइंदा आने वाले 10 सालों में पूरे बड़े सगीर में ये ख्वाजा इफ्तिखार अहमद टेनिस के नंबर एक खिलाड़ी थे, और उन्होंने कई दफ़ा भारत में जाकर उस वक़्त जवाहरलाल नेहरू जो वज़ीर आज़म थे तो उनकी मौजूदगी में कई हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को उधर शिकस्त दी, उधर नई दिल्ली हिंदुस्तान में जाकर। तो बहरहाल ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की खिदमात के इतराफ में हुकूमत की तरफ से उन्हें तमगा इम्तियाज भी दिया गया। तो इस वक्त टेनिस पर जो मौजूदा हुक्मरानी है तो ये ख्वाजा इफ्तिखार अहमद के ख़ानदान की है। सामोल आक कुरेशी जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के जो नंबर वन टेनिस खिलाड़ी हैं, ये ख्वाजा इफ्तिखार अहमद के नवासे हैं। तो ख्वाजा तैयब इफ्तिखार, ये भी डेविस का प्लेयर हैं, और ये अंडर 19 जो सामर इफ्तिखार इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं टेनिस के, तो ये उनके वालिद हैं। तो बहरहाल ये उशना सुहेल, ये ख्वातीन की चैम्पियन है, तो ये भी ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की उधर पोती हैं। तो बहरहाल ये ख्वाजा फैदान और ये सारा एक पूरा ख़ानदान इस वक्त जो है ना टेनिस के साथ। तो ये उस वक़्त ख्वाजा सुहेल इफ्तिखार की जो साहबजादी उशना सुहेल हैं टेनिस चैम्पियन, तो ये उनकी शादी में भी ये टेनिस फेडरेशन के सरबराह सलीम सैफुल्ला उधर आए। तो धन चकवाल यूट्यूब चैनल से उस वक्त गुफ्तगू करते हुए सलीम सैफुल्ला ने कहा था कि वो चकवाल में ख्वाजा इफ्तिखार अहमद का वो जो सिविल क्लब का वो जहाँ पर उन्होंने टेनिस सीखी थी, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कौम को पाकिस्तान दिया जबकि ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान को टेनिस दी है। तो बहरहाल ये ख्वाजा दानियाल सलीम, ये धनी टेनिस क्लब की ये पूरी तारीख आपको बता रहे हैं, तो ये भी मुलाहिदा करें। सिविल क्लब चकवाल में मौजूद हैं, ये आप सिविल क्लब की इमारत आप मुलाहिदा कर सकते हैं, और ये सिविल क्लब में ये टेनिस कोर्ट है। ये टेनिस कोर्ट, ये कभी, ये जो अभी सिविल क्लब है, ये 1944 में इसको जो है ये मर्ज़ वजूद में आया था, एक ख्वाजा शफ़ी मोहम्मद और एक जज यहाँ पे हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे कोर्ट बनाया था अपने टेनिस खेलने के लिए, जो 1945 की तख्ती भी जो है ना इधर वो लगी हुई है, वो आपको दिखाते हैं।
कि इसका बाकायदा टेनिस कोर्ट का अफ्तिताह 1944 में, नवंबर 1944 में ये तख्ती लगी हुई है, धनी टेनिस क्लब। ये देख लें, फाउंडेशन स्टोन लेड बाई यूरो फलाना फलाना, ये आप देख लें, ये 1944 की पिंडी डिवीजन इसमें लिखा हुआ है। ये तो एक और 1945 में एक ये भी यादगार लगाई गई है, ये चौधरी पवेलियन, इसको फिर कर दिया गया ओपन बाई ये एसपी सरदार बलवंत सिंह नलवा। 12 अटला डिप्टी कमिश्नर जेलम ऑन जनवरी 1945 ये तख्ती जो है ना ये लगी हुई है। तो ये सिविल क्लब भी इसमें मॉडिफिकेशन करके ये नई इमारत भी तामीर की गई है। ये इसका खूबसूरत लान आगे बना दिया गया है टेनिस कोर्ट के उधर, ये यहाँ पे आगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एक यहाँ पे पुराने दौर में एक टेबल अंदर पड़ा हुआ था, वो टेबल टेनिस से महजूज होते थे मेम्बरान, और ये लॉन टेनिस का कोर्ट बना हुआ है, ये नेट लगा हुआ है। ये अभी हमारे साथ डेविस कपर, तैयब इफ्तिखार जो इनके वालिद